पाकिस्तान, चीन अते भारत विचाले संवेदनशील सरहदी मुद्दे उत्ते एक बार फिर समझौता होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय पूर्वी लद्दाख दे कई सरहदी इलाकों विच दोवें देशों दीआं वड्डी गिणती विच फौजां एक दूजे दे सामने खड़ियां हन। डंडी लगभग पिछले 4.5 साल तो उत्थे सख्त टकराव दी स्थिति बनी हुई है जिस दे हुण हल होण नाल जिथे आपसी तनाव घटेगा उत्थे होर रहिंदे मसलियां दे बावजूद दोहां विच मुड़ चंगा मिलवर्तन आरंभ होण दी आस कीती जा सकती है। डंडी साल 1962 विच चीन ने भारत उत्ते हमला करके एक वड्डे रकबे उत्ते कब्जा कर लिया सी। डंडी उस समय तो ही दोवां देशां विच किसे ना किसे रूप विच आपसी तनाव चलदा रहा है। डंडी चाहे समय समय दोवां देशां दे मुखियां समेत हर पद्धर दे अधिकारी दोवां देशां दे दौरे भी करदे रहे हन अते तजारती तौर उत्ते भी एक दूसरे नाल जुड़े रहे हन। डंडी भारत नाल चीन दी 34-88 किलोमीटर सरहद लगदी है जिस दे कई हिस्सों विच अक्सर चीनी फौजां घुसपैठ करदियां रहियां हन अते भारत दे बहुत सारे खेतरां उत्ते कब्जा करन दियां कोशिशां भी करदियां रहिंदियां हन। टेंडी चाहे दोवां देशां विच एक कंट्रोल रेखा तां स्थापित कर लई गई सी पर चीन ने हाले तक भी भारत दे बहुत सारे इलाकियां उत्ते अपना नहीं छड्या। डंडी दोवां देशां दियां फौजां सरहदां उत्ते गश्त करदियां रहिंदियां हन जिथे अक्सर आपसी टकराव दी स्थिति पैदा हो जांदी है। डंडी अजही ही स्थिति 15 जून 2020 विच पैदा होई सी जदों गलवान घाटी विच दोवां देशां दे फौजियां दी आपसी झड़प हो गई सी जिस विच भारत दे कर्नल समेत 20 फौजी शहीद होए सन। डंडी चीन ने अपने मारे गए फौजियां दी गिनती जाहिर नहीं सी कीती। डंडी इस तों बाद दोवें ही देश आपो अपने पासे फौजी जमावड़ा करदे रहे सन। डंडी उन्हां ने एक दूसरे दे सामने अपने आधुनिक हथियार भी लिया खड़े कीते सन पर इस दे नाल ही दोवां देशां ने फौजी अते कूटनीतिक पद्धर उत्ते गलबात जारी रखी सी। डंडी भारत इस गल उत्ते बजिद रहा के हालात नू आम वांग बनाउण लई पूर्वी लद्दाख दे विवादत खेतरां विच मई 2020 तो पहला दी स्थिति बहाल कीती जानी जरूरी है पर चीन इना इलाकियां उत्ते अपना अधिकार जमाउंदा रहा जो भारत नू कदाचित भी परवान नहीं सी। डंडी इस लम्मी गलबात विच पहला पैगांग झील दे उत्तरी अते दक्षिणी हिस्सों तो फौजां हटाईयां गईयां। टंडी उस तो बाद कोगरा अते हार्ट स्प्रिंग विचों भी फौजां नू हटा लिया गया
पर इस नाल भी भारत की तसली नहीं सी हुई। डंडी।